अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारी सेकंड वीडियो है साइबर सिक्योरिटी के कोर्स की। तो पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हैकिंग क्या होती है और हैकर्स की टाइप्स क्या होती है। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं वॉच की तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं OSI मॉडल, क्योंकि जो है साइबर सिक्योरिटी करने से पहले आपको बेसिक नेटवर्किंग आनी चाहिए। तो इसलिए जो है नेटवर्किंग का जो अहम तरीन टॉपिक है वो है OSI मॉडल। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि OSI मॉडल बेसिकली है क्या। तो OSI मॉडल जो है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, जो कि 1984 में बनाया गया था, जो कि एक नेटवर्क को मॉनिटर, इसकी परफॉर्मेंस और इसका जो बिहेवियर है इसको जो है वो मॉनिटर करता है। अब इसके जो है OSI लेयर्स के 7 जो है लेयर्स होती हैं इनकी। और पहली लेयर जो होती है उसका नाम है जी एप्लीकेशन लेयर, एंड द सेकंड इज़ प्रेजेंटेशन लेयर, एंड द थर्ड इज़ सेशन लेयर, एंड द फोर्थ इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड द फिफ्थ इज़ नेटवर्क लेयर, एंड द सिक्स्थ इज़ डेटा लिंक लेयर, एंड द सेवन्थ इज़ फिजिकल लेयर। अब जानते हैं कि इनकी जो वर्किंग है वो ये क्या काम करती हैं 7 लेयर्स। सही है। तो एप्लीकेशन लेयर नाम से जाहिर हो रहा है, एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आपको सर्विसेज देती है। मिसाल के तौर पर हम व्हाट्सएप ले लेते हैं, वो हमें सर्विसेज देती है, किसी बंदे को हम मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। सही है। तो एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आपको सर्विसेज देगी वो होगी एप्लीकेशन लेयर्स। ओके। एंड द सेकंड इज़ प्रेजेंटेशन लेयर, इसका काम ये होता है, मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी बंदे को कोई मैसेज सेंड करना है, हमने मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप से मैसेज सेंड किया किसी को, हेलो को, ठीक है, एप्लीकेशन से हमने मैसेज सेंड कर दिया व्हाट्सएप से, हेलो का मैसेज सेंड किया। एंड अब सेकंड ये जाएगा एप्लीकेशन से दूसरी लेयर पर, प्रेजेंटेशन लेयर पर। अब ये प्रेजेंटेशन लेयर है ये क्या करेगी, ये इसको कन्वर्जन करेगी इंग्लिश टू बाइनरी फॉर्म में, बिकॉज जो है कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो जो है 0-1 की फॉर्म बाइनरी फॉर्म को समझता है। तो अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम है इंग्लिश टू बाइनरी में कन्वर्जन करके आगे फॉरवर्ड कर देना सेशन लेयर को। अब सेशन लेयर जो है वो अवेलेबिलिटी चेक करेगी जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी चेक होगी उसके बाद ये आगे फॉरवर्ड कर देगी ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है, ये अब चेक करेगा कि कौन सा इस पर जो है प्रोटोकॉल लगना है, TCP प्रोटोकॉल लगना है या UDP प्रोटोकॉल लगना है, ठीक है। अब उसने वो चेक किया, अब ये देन नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड कर दी कि नेटवर्क लेयर को पर। तो नेटवर्क लेयर जो है वो जो है राउटिंग और IP एड्रेसेस को मैनेज करती है। तो ये देखेगी इसको राउट कराएगी, IP एड्रेसर जो है वो देखेगी क्या है, एंड देन इसको आगे मूव कर देगी डेटा लिंक लेयर पे। और जो डेटा लिंक लेयर है, अब इसने जो है पीछे जो काम हुए हैं एप्लीकेशन पर, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर पे जो भी काम हुआ है उसमें से ये एरर फाइंड करेगी, हाँ भी इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो फिर ये आगे फिजिकल लेयर पर अगले बंदे को जो है मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है OSI मॉडल काम करता है, जो इसकी ये लेयर्स हैं ये इस तरह से काम करती हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि एथिकल हैकिंग के जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर हम जो है लैब अपनी बिल्डअप करेंगे और फिर प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।